करेंगे। टोमेटो को नेहा जेना से दिक्कत है तो प्लीज हमें ईमेल कीजिए। लेके आइए। गौरव तनेजा को हिरासत में लिया गया। अरे अरे गौरव भाई हाय। ये गौरव तनेजा के बारे में कुछ सुन ही नहीं सकती है। खाना खाते हैं। ये कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। हमारे स्टॉल वाले गंदा बना रहे हैं, हमारा स्विगी गंदा है, हमारा जो आशो में जोमेटो भी ट्राई कर ली इतना। तो मैं तो गिव अप कर चुकी स्विगी जोमेटो, पैसे भर के लग रहे हैं हमारे, बट खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। ये हमारे लाइफ का दुख है। लास्ट में नॉन वेज से मेरा भरोसा टूट गया। नहीं, हमारी जेना माता बोलती थी कि तुम्हारे वेज का इश्यूज होता है, पर हमारा नॉन वेज तो हमेशा टेस्टी होता ही होता है। अब देखो टेस्टी होता है, बट मैं चूजी हूँ, मुझे ऐसा पीस चाहिए, मुझे हड्डी वाला पीस चाहिए, पर मेरे को आज रिब केज दिया है। जो भी है, इसको गंदा वाला चीज मिला था जो कि और फ्राइड राइस बोले थे, और मुझे चावल और इतना सा कैरेट और थोड़ा सा बीन्स भी, मतलब सोचो ग्रीन पीस भी नहीं पके थे, ऐसा लगा कच्चा डाल दिए हैं। मतलब मैं उसको देख के ही मेरा आत्मा मर गया। और कल क्या हुआ था कि कल सेम चीज मैं रूम में मिताली मंगाई थी, उसको तो बड़ा टेस्टी मिला था सब कुछ। भाई स्विगी जोमेटो, हमसे अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोल दो, हम नहीं मंगाएंगे। जोमेटो को नेहा जेना से दिक्कत है तो प्लीज हमें ईमेल कीजिए। मेरा नाम है शमाज की लड़की @gmail.com, शमाज की लड़की 1411@gmail.com। इसको बताइए हमसे क्या दिक्कत है, क्या करने का सोच रहा है, क्या करने का सोच रहा है, किसको बता दीजिए। तो मेरे पता, मुझे तो नहीं पता था तेरा। देखा, यही तो होता है, इसको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे पता है, कुछ कुछ नहीं पता था, जैसे इसका दांत एक पीछे है जो मेरे को 3 साल बाद पता चला। सबसे बड़ा चीज़ है, इसको मेरे लाइफ के इतनी बड़ी चीज़ है जिसमें मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मेरा मुँह को। यहाँ मेरा एक दांत पीछे है, वो सबको पता है कि मेरा एक दांत पीछे है, इसको ही नहीं पता। इसको मैंने एक बार बोला भी था, मेरे लाइफ का एक फन फैक्ट, कि मेरा जो जीभ है वो ऐसा लग रहा है ना, मेरा जीभ कट चुका है। सो ये एक्चुअली दिक्कत है कि मेरा जीभ कट चुका है। अभी दिखाओ, ये तो पता ही नहीं था मेरे को। अभी सीरियसली कट चुका है, ऐसे ही है वो जीभ। वही फन फैक्ट है जो मैंने इसको बताया था, बट उसको याद नहीं है कि जीभ मेरा कटा नहीं है, मेरा दांत जो है वो पीछे है। तो मेरा जीभ जब रेस्टिंग पोजीशन पे रहता है तो उसके शेप में आ गया है। अभी बज चुके हैं 1:30 PM एंड मैं अभी इंटर्नशिप का अपना काम कर रही हूँ। मेरे को इंटर्न्स थोड़े हायर करने थे तो उनको कॉल वगैरह करके वही सुबह से कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, सॉरी, बट या काम था तो वो सब कर रही हूँ। अभी फाइनली कुछ काम कंप्लीट हो चुका है एंड कुछ बाकी है, और भी बहुत सारी इंटर्न्स को कॉल करना है, हायर करना है, बिकॉज कल संडे है एंड आई हैव टू गिव द रिपोर्ट बाय द वे। तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि लाइक मम्मी ने ककड़ी टमाटर वगैरह जो भेजी थी वही सब खाऊंगी, सो ब्रेड लेके आ रही हूँ एंड कुछ मेरा सामान ख़त्म हो गया तो वो लेके आ रही हूँ नीचे से। सो या मेरी किस्मत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, खाने के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बिकॉज मैं गई थी नीचे खाना लाने के लिए, लाइक ब्रेड वगैरह लाने के लिए, एंड 1:30 PM ही दुकान बंद हो गई है। सो ब्रेड की भी उम्मीद नहीं है, बिकॉज ककड़ी टमाटर ही है जो मैंने सोचा था सैंडविच बना के खा लूँ, वो दुकान भी बंद है। और मेरे को अब दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं नीचे गई थी ब्रेड लाने के लिए, दुकान बंद है। क्या खाऊं मैं गाइस? गाइस मैं क्या खाऊं? भूखी रहूं ताकि पतली हो जाऊं? यूनिवर्स मुझे यही बताना चाह रहा है कि नेहा तू खाना बंद कर दे और पतली हो जाएगी। तो एट लास्ट मैं खाने वाली हूँ मम्मी ने जो घर से नमकीन भेजी थी वो, और लहसुन की चटनी। बस आज का डिनर लंच जो है सब यही है, और मैं कुछ खा ही नहीं रही। बिकॉज होता क्या है कि पैसे भी लग रहे हैं, मेहनत भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, बट चीज़ ये है कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। ऐसे क्या करूँ, पढ़ाई भी कर रही है, काम भी कर रहा है, इट्स अ वेरी टफ थिंग। तो अभी बज चुके हैं 4:00 PM, मतलब 4 बज चुके हैं शाम के, एंड मैं अभी जस्ट गई थी नहा के आई, बाकी सारा काम कर रही थी इंटर्नशिप का, ये सारे
लोगों को कॉल वगैरह कर रही थी, अभी मैं 2 बकेट भर के कपड़े धोई हूँ तो उनको सुखाना है। ये रहे मेरे 1 बाल्टी कपड़े, बाकी सारे तो अंदर मतलब पानी झर रहे हैं, सो ये सारे को अभी सुखाना है, इधर में खाली भी करना है जगह। सो यार लेट्स स्टार्ट। तो मैंने जस्ट अभी कपड़े सारे सुखाए हैं, बहुत हेक्टिक डे चल रहा है आज, मतलब काम पे काम काम पे काम, एंड सबसे ज़्यादा टेंशन है परसों मेरा एक एग्ज़ाम है टैक्सेशन का, एंड टैक्सेशन मेरा थोड़ा वीक है, सो आई नीड टू स्टडी नाउ, बहुत सारा काम है। चलो अभी पढ़ाई करेंगे, अभी से 6:30 तक पढ़ते हैं। खाना तो कुछ ठीक से खाया हुआ है नहीं, तो शाम को कुछ अच्छा ही खाएंगे, देखते हैं क्या खाएंगे, अच्छा नाम का चीज़ यहाँ कुछ मिलता नहीं है। सो गाइस इट्स 7 PM, 7 बज चुके हैं आज, और मैंने थोड़ा बहुत काम वगैरह किया, इंटरव्यूज़ वगैरह लेने थे वो लिए, और थोड़ा बहुत पढ़ाई से रिलेटेड कुछ देखा। सो हमारा जो दुख था वो आज मिष्टी दी सॉल्व करने वाली है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ हमको दिया है। उनके यहाँ पे वो बाहर गई हुई थी अपने भैया भाभी के यहाँ पे, उनका एनिवर्सरी था, सो वो आते वक्त हमारे लिए घर प्रवेश का खाना लेके आएगी, दाल चावल पनीर और चिप्स और भी बहुत कुछ और मिठाई। सो हमारा आज सोने पे सुहागा होने वाला है, बहुत टेस्टी सा खाना खाएंगे आफ्टर सो मेनी डेज। सो मिष्टी दी का बस वेट है, वो जल्दी से कुछ लेके आ हम खाए। मैं जा रही हूँ जेना के रूम में उसको क्वेश्चन पेपर देने के लिए, हमारा मैथ्स एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, अब परसों जो एग्ज़ाम होगा वो जेना का है, अलग कॉलेज है उसका, तो उसका मैथ्स एग्ज़ाम है, सो उसको क्वेश्चन पेपर दे के आते हैं, तो चलो वहाँ मिलते हैं। अब आ गए, मैं अभी जस्ट व्लॉग बनाएंगे, मिष्टी दी का वेट करेंगे, और मिष्टी दी तो यही है, खाना लेके आई है, खाना है, कितना खाना लेके, कितना खाना, कौन खाएगा दीदी? अबे तू मुझे बताई क्यों नहीं वैसे कि मिष्टी दी आ चुकी है? वो अभी जस्ट अभी फोन करती, वो अभी है, मैं जस्ट अभी जेना से बात की और तुरंत तुरंत बात करते ही मैं व्लॉग करके आप सबको बताई, और मिष्टी दी भी तुरंत तुरंत आ गई, रुको सबको खाना दिखाती हूं। सबसे बड़ा टेंशन है खाने में, कितना कुछ है यार, ये देखो एक पोटली भर के मिष्टी दी खाना लाई है, ऐसे लग रहा है मैं कब से नहीं खाई हूँ। मंदिर से खाना लेके आया आप? मिष्टी दी यार आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? सोच रही लेके जाओ ना लेके जाओ, फिर मैंने जिना को कॉल किया, जिना बोलती है थैंक गॉड आपने जिना को कॉल कर लिया और आपको हमारा दुख पता चल गया। आपको पता है मैं सुबह से बस नमकीन खा के रुकी हूँ। थैंक यू मिस्टर डी, थैंक यू। खीर बहुत स्वाद है, इतना भर के लेके आई है हम 5 जन के लिए मिस्टर दी, तो अभी हम खाएंगे खीर, बहुत टेस्टी है। वाओ, सो अभी मैं और हमारी और एक रूममेट है सिमरन, सो हम लोग खाएंगे खीर। चीयर्स। खाते भी हो रेडी ना, मिक्स हो जाए उसमें। वाओ, अभी खा, तू कौन सा खाई है? मैं खाई हूं तो खा ले पहले, तो क्या हो गया आपके साथ ऋतु भाभी, क्या कर दिया यार आपने? गौरव तनेजा को हिरासत में लिया गया, प्रदेश में गौरव तनेजा एक फेमस यूट्यूबर के नाम से जाना जाता है, ये पहले एयर पायलट थे, उसके बाद इन्होंने फिटनेस के बाद, उसके बाद यूट्यूब पे अपने कई समर्थकों के द्वारा आज इन्होंने कल एक पोस्ट डाली थी कि अपना बर्थडे है, जो नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो एक्वा लाइन पर बनाएंगे। वही आज जब हमने माहौल देखा जो की सेक्टर 51 में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ बंकर का माहौल हो चुका था, जो मेट्रो के सिक्योरिटी गार्ड है जो सीएसएफ गाइस जवान थे उन्होंने, पता है हमारे यूट्यूबर भैया गौरव तनेजा अरेस्ट हो गए, हे भगवान। गाइस ये न्यूज मैंने अभी जस्ट इंस्टाग्राम पे देखी एंड आई एम जस्ट शॉक्ड, मतलब मैंने कल ही उनकी स्टोरी देखी थी, रितु राठी और गौरव तनेजा दोनों की स्टोरी देखी थी, वहाँ पे रितु भाभी ने क्या है ना कि गौरव तनेजा का जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रो में पूरा बुकिंग कर दिया था कि वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, सबको बुला लिया था एंड हैक कर लिया था फोन उनका एंड स्टोरी पे डाला था ये चीज़, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, बस डर ये था कि किसी को, मतलब इतने लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो तो मतलब उनकी सेफ्टी भी नहीं है कि ऐसा उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह भी नहीं, फैन फॉलोविंग्स मिलियंस में, 7 मिलियन फैन फॉलोअर्स है, सो मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा मैंने सोचा था, बस फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के ही कर रहे होंगे। बट अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड देखते देखते मैंने देखा कि एक फोटो था, मेरे को लगा मीम होगा, 3 पुलिस के बीच में
गौरव तनेजा अरेस्ट हुए हुए थे एंड मैं सीरियसली बहुत शॉक हो गई थी मेरे को. अभी हम लोग न्यूज़ देख रहे थे एंड हम लोग उधर एक चीज़ आया ये जो हुआ वो सही हुआ कि नहीं. मैं ऐसे देख रही थी, सोच रही थी क्या पोल था, यस डालू कि नो डालू. ये आती नो डालती. ये गौरव तनेजा के बारे में कुछ सुन ही नहीं सकती है. मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं. लाइक व्लॉगिंग भी अगर मैंने स्टार्ट किया है ना तो उन्हीं के वजह से स्टार्ट किया है. बिकॉज उनके व्लॉग्स मैंने लॉकडाउन में बहुत देखे. मतलब मेरी दीदी से स्टार्ट हुआ था ये चीज़. वो देखती रहती थी, मैं सोचती क्या देखती है. बट जब से मैंने देखा दिन में कम से कम 20-30 तो व्लॉग्स देख ही लेती थी. मैंने उनकी पूरी स्टोरी जान ली थी कि वो क्या है, उनकी लाइफ कैसे चल रही है, कहाँ रहते, सब कुछ. तो एक उनसे ना एक अलग टाइप की इंस्पिरेशन मिलती थी. एंड अभी जब ये चीज़ हो रहा है ना, मेरे को बड़ा ख़राब लग रहा है. मतलब और सब एक्चुअली देखना, रितु राठी को ही डांटेंगे एंड इंक्लूडिंग गौरव तनेजा टू कि ये उन्होंने गलती कर दी थी. वो एक्चुअली इनोसेंट सी है, बड़ी ऐसे मस्त रहती है. बट आई डोंट नो उनका क्या सिचुएशन है क्या नहीं. अभी मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. कुछ भी मैं नहीं देख सकती उनके बारे में. सो दिस इज़ द वीडियो वेट आई बी शोइंग कि वो मेट्रो में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. सो ऐसे वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे मेट्रो में. एंड मेट्रो में क्या है ना कि किसी की जान जाते जाते बच्ची ऐसा बोल रहे थे. बाप रे हो जाता तो कितनी ज़्यादा भीड़ है. यू कैन सी जितने भी ब्लॉगर सब गए हैं, सब वीडियो सभी छोड़ दे रहे हैं एंड अब सब वायरल होने के लिए पूरा लगे पड़े हैं. और क्या, अरे बच्ची भी थी साथ में इनके सर, दोनों बच्चियाँ. अरे अरे गौरव भाई हाय. यार मेरे को बड़ा, मेरे को गूज़बम्स आ रहे कि इनका बर्थडे और बर्थडे के दिन ही अरेस्ट. अब हमारा खाने का टाइम आ चुका है. तो क्या बोला, हरी बोला. आज हमारा मंदिर का खाना है तो हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. जिना हरी बोल, सिमरन हरी बोल. हमारी सिमरन को ना मंदिर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है. वो जब भोग होता है ना तो बहुत खुशी खुशी खाती है, पूरी मेरे जैसी है. और ये मंदिर से हमेशा लाके खाते हैं, बोलते हैं एक ही तो लाइफ है, जितना खाना खाओ. बीच में ये जिम जा रही थी, डाइट कर रही थी मैडम, ब्रेड वाला सैंडविच खा खा के, चावल दाल कुछ नहीं खा रही थी. बोले नहीं नहीं मेरे को डाइट करना है. और अब डाइटिंग सब गया. बोला कि एक ही तो लाइफ है. ये रहा हमारा आज का खाना. ये पूरा मस्त है. भगवान छप्पर फार के देते हैं जब देते हैं. इतना सारा खाना है, पटल कोरमा, पनीर बटर मसाला, पटल मटर पनीर, खट्टा दाल वाल मसाला नहीं. और इतना सारा खाना आज हम खाएंगे. भंडारा हो गया हमारे घर पे, भंडारा खाना खाते हैं. ये सिमरन खाते हुए. सो चलो फर्स्ट बाइट. सो चलो पहला फर्स्ट बाइट खाते हैं. हाय तृप्ति शांति, सारी लड़कियों का नाम आ जाएगा मुंह पे. स्वाद है बे. वाओ. 1 2 3 गो. इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, सब मिलके नाचो गाओ, छुट्टी है मौज मनाओ. कर दीदी यार, देसी स्वैग स्वैग, मेरा देसी स्वैग, मेरा देसी स्वैग. मुझे और एक आता है. कौन सा? फ्रॉम चाइना. टू चाइना. कभी नहीं आईना. 1 2 3 गो. पल पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगी नींद तुम्हें ऐसे हाल में जो तुम जाओगे. सच कहता हूँ जान, बहुत पछताओगे. मेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बंदे जो इश्क बरसे. तेरी मेरी कहानी. गाइस अभी मैं अपने रूम आ चुकी हूँ. जेना लोग अपने रूम में है, पढ़ाई कर रहे हैं. परसों हमारे एग्जाम्स है. सो मैं भी अभी पढ़ाई करने वाली हूँ. मेरे भी परसों एग्ज़ाम है, टैक्सेशन है, जिससे मेरे को फोबिया था. मैं जब सीए पढ़ाई करती थी तब सबसे वीक पॉइंट मेरा टैक्सेशन ही था, उसी का एग्ज़ाम है. सो मैं नोट्स बनाऊंगी आज रात भर. अभी बजे रात के 10, मैं रात के 2-3 बजे तक पढ़ाई करूंगी, फिर सो जाऊंगी. सो और बाय द वे खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया खाना खा के. एकदम मन को शांति तृप्ति सब कुछ मिल गया.
इतना अच्छा खाना था, ऑल थैंक्स टू हमारी मिश्री दी, उनके वजह से हम इतना खा पाए। सो अभी बज रहे हैं 11:30 एंड अब मिश्री दी हमें अपने रूम बुला रही है, वो खीर खा रही है तो वो बोल रही है कि आ जाओ खाएंगे सब मिलके। सो अभी मैं जेना के रूम जा रही हूँ खीर खाने के लिए। ये और थोड़ा बाउल में बच चुका है। सो मिश्री दी बोल रही है वो खीर पूरा खाएगी और मैं रसगुल्ला खाऊंगी। मिश्री दी बोल रही है कि हम वैसे ही मोटे हो रहे हैं और नहीं आएंगे, फिर बोलते चलो हम खा ही लेते हैं खीर। कोई सेंस है इस बात का? है कोई सेंस इस बात का? सो फाइनली आई एम इन माई रूम, अभी बच चुके हैं 2:00 एंड मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ और अब मैं पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ, बिकॉज मेरे को ये वीडियो कल अपलोड भी करना है और साथ ही साथ परसों के लिए पढ़ाई भी करना है। सो मैं रात भर पढ़ने वाली हूँ। सो या मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जल्दी से 1K कर दीजिए यार। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।